ये एसटी डेपो है और महानगर पालिका भी यहाँ ही रुकती है, तो अगर आप एसटी या फिर महानगर पालिका से आते हो तो आपको यहाँ पे उतरना होगा। फिर अरनाला बीच जाने के लिए यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं चलना है, 5 मिनट ही चलना है, क्योंकि ये एक ऐसा बीच है जो जिसका डेपो बीच के एकदम साइड में ही है, तो आपको ज़्यादा चलना नहीं होगा। देखो महानगर पालिका यहाँ पे ही रुकती है और यहाँ से आपको राइट मारना है, फिर आप 5 मिनट में अरनाला बीच पहुँच जाओगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग। तो आज हम आए हैं अरनाला बीच, तो यहाँ पे कैसे आना है वो मैंने आपको बता दिया है, तो आई होप कि आप इस चीज़ को लेके क्लियर होगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, ये बीच है अरनाला बीच। तो अभी अंदर चलते हैं, मैं आपको बीच का सब बताता हूँ और साथ में एक्सप्लोर करते हैं। राइट साइड पे ये सब जो बोट्स लगे हैं वो क्योंकि एकदम एंड पे ना यहाँ पे लोकल्स रहते हैं, तो उनका ही सब बोट है। और अगर आप एकदम राइट साइड में जाओगे तो आपको उनका घर ये सब भी दिखेगा। और बीच के लेफ्ट साइड पे अगर आप सीधा सीधा जाते हो तो आपको नवापुर बीच, और अगर आप बीच को ही लग के जाओगे तो आपको राजौड़ी ये सब भी लाइन से ही मिलेगा। लेकिन राजौड़ी जाने के लिए अगर आप बीच से नहीं जाते तो आपको रोडवेज जाना पड़ेगा। अरनाला बीच बहुत फेमस है, मोस्टली यहाँ पे सैटरडे संडे को बहुत लोग आते हैं फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए। और ये बीच बहुत बड़ा है, यहाँ पे सिर्फ ऐसा सैंड पानी यही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ और जैसे कि हॉर्स राइड, कैमल राइड, डर्ट बाइक भी अभी नया स्टार्ट हुआ है, पहले नहीं था ये डर्ट बाइक, और ऐसे बहुत एक्टिविटीज़ है जो यहाँ पे स्टार्ट हो गए। तो ये देखो यहाँ पे कैमल राइड, ये तो कॉमन है लेकिन है, तो ये सब एक्टिविटीज़ के कारण ये बीच और एनहांस हो गया है, तो और लोग यहाँ पे आना प्रिफर करते हैं। फैमिली के साथ आते हो तो बच्चों के लिए भी आपके छोटे मोटे जो राइड्स होते हैं जैसे जंप मारने का, या फिर वो हेलीकॉप्टर जो गोल गोल घूमता है, ऐसे छोटे मोटे राइड्स हैं बच्चों के लिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
आप यहाँ से सीधा सीधा जाओगे तो आपको ये सब बीच लाइन से दिखेगा, वरना अगर अगर आप यहाँ से ये सीधा रोड भी जाता है ऐसे सीधा, लेकिन वो नवापुर पे एंड होता है। उसके अगर आगे आपको जाना है तो आपको रोडवेज से जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप गाड़ी बीच पे लेके आते हो तो आपको सीधा सीधा ही पड़ेगा। आपको खाने के लिए भी बहुत स्टॉल्स दिख जाएंगे एज ऑलवेज, जो बीचेस पे रहते ही है, तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। वहाँ पे भी आपको चाइनीज़ या फिर जो छोटे मोटे स्टॉल्स रहते हैं वो खाने पीने के, वो भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से अगर आप सीधा सीधा जाते हो तो आपको नवापुर बीच लगेगा, सीधा सीधा ही रोड है बीच को टच करके, तो ज़्यादा कुछ डिस्टेंस है नहीं। यहाँ पे अंदर भी बहुत ट्रीज का जो पूरा सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही अच्छा है, पीसफुल है, और मतलब लोग तो है लेकिन फिर भी पीसफुल है। एंड यहाँ पे फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे आएंगे, और यहाँ पे आप फ़ोटोज़ निकाल सकते हो बहुत अच्छे। देखो ये जो ट्रीज़ है इनको आप बैकग्राउंड में रख के बहुत ही अच्छा फ़ोटो निकाल सकते हो। अगर आपके पास अच्छा फ़ोटोग्राफ़र होगा तो ऑब्वियसली वो कैसा भी बैकग्राउंड हो आपका फ़ोटो अच्छा ही निकालेगा। तो ये ट्रीज़ बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे भी वेडिंग शूट्स होते हैं बहुत, लेकिन मोस्टली लोग, मैंने आपको बताया था मेरे भूईगाँव वाले ब्लॉग में, लोग वहाँ पे ही जाते हैं, लेकिन अगर कोई यहाँ का लोकल है तो वो यहाँ पे भी आते हैं, क्योंकि यहाँ का भी एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। तो ये था बीच के बारे में, लेकिन अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चाहिए तो याद रखने के लिए ये भी रख लो कि बीच के साइड में पुलिस स्टेशन भी है। यहाँ पे ये पुलिस स्टेशन है, अरनाला पुलिस स्टेशन। तो बस आप ये याद रख लो, कभी आपके काम में आ गया तो आ गया। तो आप बीच पे आओगे तो ऑब्वियसली बात है कि कोई कोई पानी में भी जाते हैं, और अगर बीच में आपको वॉशरूम भी आ गया तो इस चीज़ का भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं अरनाला बीच पे, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग और वॉशरूम दोनों अवेलेबल है, स्पेशली फॉर लेडीज़ ये बहुत ही हेल्पफुल है। पुलिस स्टेशन के एकदम साइड में ही है वो, तो आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम यहाँ से ही ये रोड से आगे जाके मैं आपको थोड़ा नवापुर बीच का थोड़ा शॉर्ट्स दिखाता हूँ, और फिर हम वहाँ पे व्लॉग एंड कर देंगे। तो इस बीच पे ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, लेकिन सब अरनाला बीच ही जाते हैं। जिनको एकदम दुनिया से अलग रहना है, थोड़ा शांति चाहिए, वो डर्ट बाइक ये सब का आवाज़ नहीं चाहिए, वो ये साइड पे आते हैं। तो मोस्टली लोग इधर इसी वजह से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोई आता नहीं, और यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अरनाला बहुत शांति रहता है। अगर आपने मेरा भूईगाँव बीच वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वो भी देख सकते हो। वो बीच भी वसई का वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर और फेमस बीच है, तो आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो बस यही था आज के व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में हमने सिर्फ अरनाला और नवापुर बीच कवर किया है। तो यही था आज के व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Till then, keep watching, keep supporting Time to Travel. Thank you.